इसमिल्रहीम एम शाहिद महमूद लेक्चरर इंग्लिश पंजाब कॉलेज वीर महाल डर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिटरेरी टेक्स्ट एनालिसिस एंड आवर फर्स्ट टॉपिक मीन्स टू फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑबजेट एंड आइडियाज इन सच अ वेट इट अपील अमेजरी का मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज है जो ऑबजेक्ट्स को एक्शन और आइडियाज को जो है वो उसकी नुमाइंदगी करती है

And sense of taste. Now we explain the types of imagery with examples. It was dark and dim in the forest. Here, two words, dark and dim, uh, represent the sense of sight. The children were screaming and shouting in the fields. Here, two words, screaming and shouting. Uh, represent sense of hearing. He whiffed the aroma of brewed coffee. Here, two words aroma and whiffed they represent sense of smell. The girl ran her hands on a soft, satin fabric. Here, one word represents sense of touch. The fresh and juicy orange is very cold and sweet. Here, two words juicy and sweet represent sense of taste imagery needs the aid of figures of speech like simile metaphor and personification now we discuss the functions of imagery imagery is essential to nearly every form of writing and writers use imagery for a wide variety of reasons imagery jo hai wo har kism ki writing mein for example prose novel poetry drama short stories और जितने भी राइटर्स हैं वो इसको मुख्तलि वजूहत की बना पर जो है वो यूज करते हैं इट इंगेज रीडर्स यानी कि ये रीडर्स को जो है वो एंगेज रखती है अमेजरी अलाउज़ रीडर्स टू सी एंड फील वट गोइंग ऑन इन स्टोरी अमेजरी जो है वो रीडर्स को जो है वो फील करने के लिए देखने के लिए जो है वो परमिट करती है कि गोइंग स्टोरी के अंदर जो है वो क्या चल रहा है इट फुली एंगेज रीडर्स एमेजिनेशन यानी कि यह मुकम्मल तौर पर जो है वो रीडर की अमेजिनेशन के साथ रीडर की तखयल के साथ जो है वो अंगेज होती है इट्स इंटरेस्टिंग यानी कि यह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है राइटिंग विदाउट अमेजरी वुड बी ड्राई एंड डल यानी कि जो राइटर्स अमेजरी को अपने टेक्स्ट में जो है वो यूज नहीं करते पोइट्री है ड्रामा है नॉवल है शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें यूज नहीं करते हैं वो बेकैफसी होते हैं वाइल राइटिंग विद अमेजरी कैन बी वाइब्रेंट एंड ग्रिपिंग जो राइटर्स अमेजरी को अपने टेक्स्ट बुक्स में जो है वो यूज करते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। इट कैन सेट द सीन ये सीन को सेट कर सकती है एंड कम्युनिकेट करेक्टर और कम्युनिकेट करेक्टर के साथ जो है वो बात की बातचीत जो है वो की जा सकती है द डिस्क्रिप्शन ऑफ और दी डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ पर्सन और प्लेस लुक्स मूव्स साउंड्स स्मेल डज एज मच टू टेल यू अबाउट दैट पर्सन और प्लेस एज एन explanation कैन यहाँ पे ये किसी भी पर्सन के हवाले से या प्लेस के हवाले से जो है वो डिस्क्राइब जो है वो किया जा सकता है या उसको जो है वो देखा जा सकता है मूव किया जा सकता है उसको सुना जा सकता है उसको सूगा जा सकता है या किसी के बारे में जो है कोई बात बताई जा सकती है या किसी भी प्लेस के हवाले से जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो दी जा सकती है अमेजरी इज नॉट जस्ट विंडो ड्रेसिंग अमेजरी जो है वो किसी किस्म की विंडो ड्रेसिंग नहीं है इट इज नेसेसरी सेंसरी डिटेल यानी कि ये एक सेंसरी यानी कि सेंसेस के बारे में जो है वो डिटेल है अलाउज रीडर रीडर टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड जो को को दुनिया को समझने के लिए एंड पीपल और दुनिया लोगों को समझने के लिए बींग डिस्क्राइब जो बयान किए जा चुके होते हैं आसानी पैदा करती है फ्रॉम देयर फंडामेंटल ट्रेड्स टू देयर मूड और उनके फंडामेंटल जितने भी खुशियात है और उनके मूड को समझने में जो है वो मददगार जो है वो साबित होती है इट कैन बी सिम्बॉलिक Imagery can both describe the world and establish symbolic meanings that deepen the impact of the text. For example, rain, rain. This is a symbol. The, this uh, word gives the explanation of two words: happiness and sadness. Conclusion. To sum up the above discussion, we can say that imagery plays an important role in literary text. The writers, like poets, novelists, playwriters. Dramatists use it to make their works comprehensive. The end.